प्रस्तुत है मेट्रो मिरर न्यूज डाइजेस्ट 11 जुलाई 2023। नर्मदा नदी में टापू पर फंसे युवकों का सुरक्षित रेस्क्यू। छुट्टी का आनंद लेने गए थे लम्हेटा घाट। जबलपुर के लम्हेटा घाट में फंसे चारों युवकों को सुबह सुरक्षित बचा लिया गया है। चारों युवक पानी के तेज बहाव के बीच नदी में फंस गए थे। दिग्विजय सिंह के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज। आरएसएस के सरसंघ चालक गोलवरकर पर की थी विवादित टिप्पणी। आरएसएस के द्वितीय सरसंचालक गोलवलकर को लेकर टिप्पणी करने के मामले में अब दिग्विजय सिंह पर उज्जैन में एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बंगाल में जारी हिंसा पर भड़के दिग्विजय बोले, मैं ममता का प्रशंसक, लेकिन जो हो रहा है वह डरावना। दिग्विजय सिंह ने पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा की घटनाओं पर कहा कि बंगाल में पंचायत चुनाव में जो हो रहा है वह भयावह है। मैं ममता के धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रशंसक रहा हूं, लेकिन जो हो रहा है वह अक्षम्य है, वह हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले, दिग्विजय सिंह के खून में मुगलों के भी जींस। सीधी आदिवासी कांड पर शर्मा बोले, सरकार ने त्वरित एक्शन लिया है। इस तरह के मामलों में यह नहीं देखा जाता कि आरोपी कौन से दल का है, कौन से समाज का है, वह सिर्फ आरोपी होता है, जबकि कांग्रेस दोहरा चरित्र अपनाती है। ट्विटर और फेसबुक पोस्ट कर घिरे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। इंदौर के बाद राजगढ़ में भी केस दर्ज। फिल्म आदि पुरुष बैन न होने से नाराज निर्देशक और सिनेमेटोग्राफर। टीम के साथ काम न करने का लिया संकल्प। नेपाल में फिल्म को बैन कर दिया गया। काठमांडू में फिल्म आदि पुरुष के साथ बाकी की हिंदी फिल्में भी उतार दी गईं। पुराने पेंशन बहाली को लेकर बढ़ा आक्रोश। संयुक्त मोर्चा ने त्रिस्तरीय चरणबद्ध आंदोलन का किया शंखनाद। खाटू श्याम के अनोखे भक्त साइकिल से 650 किलोमीटर की खाटू धाम यात्रा पूरी करेंगे मुकुल। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश का कहर। उत्तर रेलवे ने 17 ट्रेनें रद्द की, 12 का रूट बदला। वैज्ञानिकों ने खोजा सूर्य से 90 लाख गुना बड़ा ब्लैक होल। वैज्ञानिकों को हमारे सूर्य से 90 लाख गुना बड़ा ब्लैक होल मिला है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह अब तक का सबसे पुराना और विशालकाय ब्लैक होल है। ऐसी डेली अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ डाइजेस्ट मेट्रो मिरर .com।